आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। फटाफट अंदाज में जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। अंडमान में बोले पीएम मोदी, ये वही धरती है जहां पहली बार तिरंगा फहरा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती, पीएम मोदी ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का किया अनावरण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीप को नामकरण भी किया। पेपर लीक पर राजस्थान में नहीं थम रहा घमासान, आरएलपी चीफ ने सदन में की सीबीआई जांच की मांग। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई, रामपुर की अदालत में दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा को पेश होना है। केरल विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल 3 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बाल ठाकरे की जयंती पर गठबंधन कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन के चलते हो सकती है नए अध्याय की शुरुआत। गौहर चिश्ती को कोर्ट में किया गया पेश, जांच अधिकारी ने पेश की चार्जशीट, दरगाह के निजाम गेट पर भड़काऊ नारे लगाकर भीड़ को उकसाने का आरोप। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोले सीएम नीतीश, कहा उन्हीं से पूछिए उन्हीं का छापिए, हम लोग इस सब चीज पर नहीं देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले ही अमित शाह से की थी मुलाकात। रामचरितमानस को लेकर सपा नेता ने दिया विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल से मचा बवाल, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा जब तक भाजपा में थे नहीं करते थे बदजुबानी। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, शिवलिंग के पूजन से संबंधित है मामला। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का लिया जायजा, सैनिकों से की मुलाकात। बिहार के सीवान में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत, 7 का इलाज जारी, 10 लोग हुए गिरफ्तार। सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, अविवाहित महिला ने सरोगेसी कानून में मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली गुल, ग्रिड फेल होने के चलते हुआ भारी नुकसान। कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, जो बाइडेन ने दिया आदेश, मृतकों के सम्मान में आधा झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। पंजाब के पटियाला में इंसानियत शर्मसार, नाबालिग लड़की से चलती कार में दुष्कर्म। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बड़ा हादसा, ईंटों से भरा ट्रक पलटा, एक की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में हुआ दर्दनाक हादसा, दीवार के मलबे में दबे 3 मजदूर, 2 की मौत। केरल के आलपुझा में सड़क हादसा, ट्रक और कार की भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत। इंडियन रेलवे ने आज कैंसिल कर दी 322 ट्रेनें, 20 से ज्यादा हुई रीशेड्यूल, साथ ही की गई कई गाड़ियां डाइवर्ट। तीसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया, होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। बिखर गए भारत के हॉकी विश्व कप जीतने के ख्वाब, क्रॉस ओवर मैच में इंडिया को न्यूजीलैंड ने पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। रिलीज हुआ तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर, पहली बार फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगे रणबीर कपूर। आज होगी केएल राहुल और अतिया शेट्टी की शादी, सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में लेंगे साथ फेरे, मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। तो ये थी इस वक्त की 25 बड़ी खबरें, जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।